बुझ गई है। नहीं नहीं खाली होंगे फिर भी खा लेंगे। तो गाइस बड़े दिनों के बाद वाले पूल पे आए हुए और माता को प्रणाम नहीं किया, तो जो जो माता को प्रणाम करना चाहता हो कर सकते हैं। जय माता दी। हमारी सुनिए हम भी कर रहे हैं, लेडीज भी फर्स्ट, लेडीज को भी ट्राई करना चाहिए। मैम कैसा रहा एक्सपीरियंस? और यहाँ पे तो बहुत सही है यार, ठंडा मौसम है, मतलब इस पेड़ के नीचे आप पूरा दिन ही बैठ जाओगे ना आपको गर्मी नहीं लगेगी, सही है। और यहाँ पे फॉरेस्ट वालों का ऑफिस भी है सामने, देख सकते हो जेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो हमारे रेडियोग्राफर भी ट्राई कर रहे हैं। बेस बेस ओ हो ठीक है। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारे दिन की शुरुआत हो रही है रास्ते से, ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग में आ गया था शॉप पे कुछ काम ख़त्म किए, उसके बाद अभी ऑफिस के लिए निकल गया हूँ। तो जैसे कि कल का मेरा इवनिंग में जम्मू तो पहुँच गया था, लेकिन रास्ते के कुछ शॉर्ट्स लिए नहीं थे, फिर शाम को आया गाड़ी शाड़ी धोई अपनी, फिर फ्रेंड को उसकी गाड़ी देने गया था, रात को थक गया था, फिर भी रात को 10 ही बज गए थे, फिर तो कोशिश नहीं है। सुबह भी लेट उठा हूँ क्योंकि रात सुबह भी नींद नहीं खुली जल्दी में, और ऑफिस से भी कॉल्स थी, तो सोचा अभी मुझे ऑफिस के लिए जाना पड़ रहा है क्योंकि आज मुझे आधा घंटा जल्दी ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि लेट ना हो जाऊँ और फिर जाम होता है। तो मिलते हैं आपको ऑफिस में, आज के दिन की करते हैं रास्ते में से शुरुआत माता रानी जी का नाम लेके। जय माता दी। गाइस मॉर्निंग टाइम में ना यहाँ पे बंदा ट्रैफिक तो होता ही है, बंदा निकल जाता है मतलब छाँव में, नहीं तो गाइस धूप इतनी ख़तरनाक है आज ना, और 11:30 बजे इतनी तगड़े वाली धूप है कि कुछ कह नहीं सकते, फिर भी जाना पड़ेगा चाहे बाइक हो या कुछ भी हो। तो पहुँचते हैं, मिलते हैं आपको ऑफिस में सीधा। तो गाइस बड़े दिनों के बाद वाले पूल पे आए हुए और माता को प्रणाम नहीं किया, तो जो जो माता को प्रणाम करना चाहता हो कर सकते हैं। जय माता दी। तो मैं अभी बावे वाले पूल पे हूँ और अभी जा रहे हैं हम ऑफिस के लिए, लेकिन यहाँ से निकलते समय हर एक को क्या करना चाहिए, माता को प्रणाम। हाँ हाँ क्या ठंडक है भाई, सही है यार, पेड़ के नीचे बैठा है और पेड़ के नीचे चलने का मज़े कुछ और है, मतलब इतनी ठंडक है ना। कल जैसे मैं पुंछ से आया था तो रास्ते में मुझे पेड़ ही पेड़ मिले और वहाँ पे इतना ठंडा मौसम था, हद से ज़्यादा, जब वो इतनी गर्मी हो रही है अभी भी, और यहाँ पे भी पेड़ है साइड पे लगे हुए, पेड़ बहुत सही है, पेड़ लगाने चाहिए और होने भी चाहिए। अभी तो लोग ज़्यादा कटिंग कर रहे हैं, लेकिन कटिंग करनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे तो बहुत सही है यार, ठंडा मौसम है, मतलब इस पेड़ के नीचे आप पूरा दिन ही बैठ जाओगे ना आपको गर्मी नहीं लगेगी, सही है। और यहाँ पे फॉरेस्ट वालों का ऑफिस भी है सामने, देख सकते हो जेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अगर ड्यूटी नहीं होती तो मैंने यहीं पे बैठ जाना था, लेकिन ड्यूटी है उसमें भी जाना पड़ेगा, वो तो करनी है, लेकिन चलो वहाँ पे तो एसी होता है, लेकिन जो फ्रेश एयर होती है वो तो इसके नीचे मिलती है भाई, वो कहीं नहीं मिलती। पर ट्रेनिंग सेशन चल रहा है फायर्स का, फायर अलार्म के लिए और प्लस सेफ्टी के लिए हमारा पूरा स्टाफ, दिखा सकते हैं देखते हैं। अभी इसको चलाने का तरीका, ये कैच को धीरे से हमें प्रेस करना है, ये धीरे निकला है ठीक है, धीरे देखना ठीक ठीक है, ये कैच सेट करो ठीक है, सारी टीम आती है उनके साथ, सही है देखिए ये धीरे प्रेस किया और ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, ऑन द बेस ऑफ है ये देख ठीक ठीक, अगर मैंने जल्दी मारूंगा जल्दी से तो ये सारी आग उड़ेगी और फैल जाएगी ठीक है साहब। अभी हम इसको हाथ के ऊपर नहीं चलाएंगे, इसको आप धीरे धीरे सिनारे की तरफ जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं, पानी की बाल्टी मारेगा
कोई ट्राई करो, एक बंदा देखो कैसे है। तो बस देख लो सिलेंडर को कैसे खोलते हैं और कैसे दिखाया जा रहा है। ये तो पूरी बजा रही है भाई। सुनिए हम भी कर रहे हैं, लेडीज भी फर्स्ट, लेडीज को भी ट्राई करना चाहिए। मैम कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमारे रेडियोग्राफर भी ट्राई कर रहे हैं। बेस में बेस, बेस बेस, ओह लाइक सो मच। ठीक है सर, जी नहीं हम भी होंगे फिर भी चले गए। ठीक है सब देख ले, सब तुमने क्या नहीं किया? और इसको चलाने के बाद आग बुझती नहीं है, ये याद आप याद रखना। इस एक्सटिंग्विशर को चलाने के बाद फाइनली मीट हो गया खत्म, सेशन पूरा वायरल आम का। पर अभी चलते हैं हम वापस सारे अंदर की तरफ। तो गाइस फाइनली अपना हो गया ऑफ, आज मैं लेट हो गया था, 9:15 हो गए वहीं भी। अभी मैं पहुंचा हूँ रेलवे फाटक बाबे मोड़, बागे बाऊ फोर्ट के पास नीचे बाबे मोड़ पे। तो अभी हम मुझे यहाँ से बैग गुजर नगर पुल से निकलता हूँ, क्योंकि दूसरे पुल से जाम होगा तो मुझे शॉर्टकट यहाँ से निकलना है। तो फटाफट निकलते हैं क्योंकि धीरज भी कॉल कर रहा है मुझे कहाँ पहुँचा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले से लेट हो गया था। अभी हम पहुंच गए बावे पुल पे। और गाइस यहाँ पे रौनक कितनी होती है ना शाम को, मतलब लोग घूमने फिरने आए होते हैं और माता के दरबार में देखो क्या चमक है, क्या रौनक है। गाइस थोड़े दिन में जाना है, मैंने भी यार बड़े दिन से सोच रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता था। अब मॉर्निंग शिफ्ट हैं तो मॉर्निंग में जाएंगे। तो अभी फटाफट निकलते हैं क्योंकि मुझे शॉप पर भी जाना है। फोन का सुबह धीरज फ़ोन करा, कह रहे थे कब तक पहुँच रहा है, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं वहाँ पर भी। घर के लिए शॉप कर दी क्लोज क्योंकि शॉप पे भी काम था कुछ, जल्दी जल्दी में फ्री हुए उसके बाद जल्दी जल्दी निकल गए घर के लिए, क्योंकि सुबह अभी ड्यूटी है और साथ में अभी तो बज गए 10:10। और साथ में थोड़ा एक गला ख़राब हो गया मेरा कल से, या तो लग रहा है कि कल की डस्ट कोई गले में फंस गई है या क्या चक्कर हो गया, उस वजह से ना गला से बंद सा लग रहा है। और साथ में कभी गर्मी कभी सर्दी हो रही है, उस वजह से हुआ है। अभी हम फ्लोड़ा क्रॉस कर गए हैं, पहुँचते हैं घर पे। हुआ आज का इस गर्मी भी है कुछ लग रही है ज़्यादा, ऐसे लग रहा है कि अभी जाके नहाना पड़ेगा, लेकिन नहाना नहीं है क्योंकि बीमार हो जाऊँगा। तो ये वैसे भी टाइफाइड का वायरल चल रहा है, उसके चक्कर में तो नहाना तो बिल्कुल मना है इस समय। और मैं क्या कोई भी नहाए नहीं इसमें, इस समय टाइफाइड का, और मच्छर से बच के रहो भाई, क्योंकि टाइफाइड इस समय बहुत ज़्यादा वायरल, जैसे डेंगू का था कोविड का था वैसे अभी टाइफाइड का चल रहा है। तो गाइस सभी बच के रहें इस चीज़ से। तो हम तो पहुँचते हैं घर पे, फिर मिलते हैं आपसे, अब मिलना क्या है। तो गाइस अभी करते हैं ब्लॉग का एंड, गुड नाइट, बाय बाय।